नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, स्कूल कॉलेज खोलने पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला इस वक्त निकल के सामने आ रहा। आप सभी को ज्ञात होगा कि 2 नवंबर से लगभग राज्य में स्कूल कॉलेजों को खोल दिया गया था और 2 नवंबर से ये शर्त थी कि केवल 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ही स्कूलों को खोला जाएगा और लगभग राज्य में खोल भी दिए थे। लेकिन साथियों, अब बात हो रही है कि बाकी कक्षाओं के लिए कब खोला जाए, इसको लेकर सरकार की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ा फैसला निकल के सामने आ रहा है। 6वीं से लेकर 8वीं और 9वीं और 11वीं के स्कूलों खोलने की आज डेट फाइनल कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों के समय को कम किया जाएगा, स्कूलों को खोलना चाहिए क्योंकि अब एक साल उनका बर्बाद हो सकता है छात्रों। इसको लेकर सरकार के द्वारा ये आदेश निकल के सामने आ रहा है। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में एक बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जल्द खुल सकते हैं कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल। सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, 10वीं और 12वीं तक के स्कूलों को खोले जाने के बाद अब जल्दी कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को भी खोला जा सकता है। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। एडी बेसिक शिक्षा संजय कुमार रस्तोगी का कहना है कि पहले चरण में कक्षा 6 से 8 तक स्कूलों को खोले जाने की तैयारियां कर ली गई है। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक स्कूलों को फिलहाल बंद रखा जाएगा। हालांकि अभी कक्षा 6 से 8 तक स्कूलों को खोले जाने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल के ध्यान में रखते हुए 23 नवम्बर से लगभग सभी राज्यों में स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। ये आदेश केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने सभी राज्यों को आदेश जारी कर दिया है और कहा कि आप अपने हिसाब से स्कूलों को 23 नवंबर से खोल सकते हो। और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब आपकी जो कक्षाएं लगेंगी वो केवल 3 घंटे लगेगी और एक कक्षा में केवल 20 बच्चे ही बैठे पाएंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सरकार के द्वारा इसको लेकर गाइडलाइन बनाने के लिए दिशा निर्देश राज्यों को जारी कर दिए गए। इस पर आपकी क्या राय, क्या 23 नवंबर से स्कूलों खोलना चाहिए या फिर नहीं, आप इसकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, साथ ही आप अपने राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। धन्यवाद।